जय गुरु जी संगत जी, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करें। जय गुरु जी संगत जी, एक छोटा सा सत्संग और आपसे शेयर करने आई हूँ आज। ये सत्संग है कि जब गुरु जी का बुलावा मेरे लिए आया तीसरी बार, क्योंकि मैं गुरु जी के मंदिर जो है अभी तक दो बार ही गई हूँ, दो से तीन बार ही गई हूँ, मुझे पक्का याद नहीं है, हाँ तीन या चार बार से ज़्यादा नहीं हुआ अभी। तो ये मुझे अगस्त के लास्ट मंथ में मुझे ये मैसेज दिखाई दे रहा था कि हुन मंदिर आ जा, एक बारी मंदिर आ जा, तेरे सारे काम हो जाने हैं, ते तू मंदिर आ जा। तो ये मतलब जो मुझे मैसेज था, चार से पांच बार दिन में दिख रहा था, ये 27 अगस्त से लेके मुझे कम से कम चलता रहा। तो मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी सच में ये बुलावा मेरे लिए ही है, क्योंकि हमें आदत है कि हम अपने कंफर्ट जोन में सब चीज़ें देखते हैं, क्योंकि दूर रहते हैं थोड़ा, जबकि इतना दूर नहीं है। अपने मालिक से मिलने लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बहुत बड़ी रहमत है उसकी कि वो हमें बुलावा, हम जैसे तुच्छ लोगों को बुलावा दे अपने दर पर बुलाने का। अब ये चल रहा है तो मेरे मन में आया, शनिवार के दिन जिस दिन छुट्टी का दिन था, तो मुझे लगा नहीं मुझे जाना है, क्योंकि गुरुजी ने मुझे बुलाया है। और मैंने गुरुजी के आगे बस यही अरदास की कि गुरुजी अगर आपने मुझे बुलाया है तो आप ही को लेके जाना है, क्योंकि मेरे बस का तो है नहीं। आप जब बुलाते तो कहते हैं सब रास्ते अपने आप बन जाते हैं जब उस आपका हुक्म होता है, और मेरे एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं दो तीन बार कैब में, जैसे मैं जाती हूँ ट्रैवल करती हूँ तो कैब वालों से थोड़ी थोड़ी मेरी मतलब बहस सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ा सा क्या होता है कि गौर सिटी से हम आते हैं, गौर सिटी टू ग्रेटर नोएडा से, तो वो लास्ट में जब गुरुजी का मंदिर आने वाला होता है तो वो थोड़ी थोड़ी ये बोलते हैं कि बहुत दूर था, ये है वो है, जबकि हम उन्हें ये बोलते हैं कि भैया लोकेशन तो डाली थी, अगर आपने नहीं जाना था तो कैंसिल कर देते। लेकिन खैर जो भी है, मन ख़राब हो जाता है, और फिर नेचुरल है कि कोई इंसान दो तीन बार बोलेगा सामने वाला, तो हम भी इंसानी फितरत है, हमारे ईगो को लगती है वो बात, हम जवाब ज़रूर देते, जिससे कि मन ख़राब ही होता है कि यार हम आए तो परमात्मा के दर्शन करने हैं और कर हम गलत रहे हैं। तो मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी आज ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आपका बुलावा है ना तो आप ही लेने आ रहे हो और आप ही लेके जाओगे। अब होता यही है कि केवल भैया एक आते हैं और जैसे मैंने कहा वैसे ही, मतलब जैसे सोचा वैसे ही गुरुजी ने किया। जैसे तो मैं पहले घर से निकली, पहले तो घर से निकलते ही मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी, तो मैं समझ गई कि हाँ गुरुजी आ चुके हैं, मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं। क्योंकि हम अपनी बात का जो है 100% प्रूफ लेते हैं, क्योंकि ठहरे तो हम वही नादान लोग। अब वो कैब वाले भैया बड़ी खुशी से हमें मंदिर तक लेके जाते हैं, और मैं रास्ते में मतलब गुरुजी से बात करती हुई जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कौन इसे कैसे लेगा, लेकिन मैं गुरुजी से बातें करती जा रही हूँ और वो जवाब मिलते जा रहे हैं कि देखिया मैंने कहा था ना कि तैनू आना है, ते बना देता ना प्रोग्राम, लेने आ गया ना मैं तुझे। वो भैया बहुत ही अच्छे तरीके से हमें लेके गए, बिना किसी बहस के, बिना के मतलब खुश मिजाज जैसे बोल सकते हैं, जो कि मैंने मांगा था गुरुजी से। हम मंदिर पहुँचे तो मंदिर के बीच के रास्ते में मेरे मन में ये चल रहा था कि गुरुजी आज तो शनिवार है, और मैं जैसे मतलब 2 सितंबर की बात है, मैं ये सोच रही हूँ अपने मन में कि आज तो गुरुजी आपका मंदिर मुझे खाली मिलेगा, संगत नहीं होगी ना इतनी, हो सकता है पता नहीं बंद तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने मतलब चेक तो करा लिया था कि हाँ मंदिर खुला होता है, लेकिन कभी शनिवार को कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं आई हूँ। मैं अक्सर मतलब ऐसे ही दिन पे आ पाई हूँ जिस दिन बिल्कुल श्योरिटी होती है, तो मैंने इतनी देखा भी नहीं, जांच भी नहीं की उस चीज़ की। मेरे मन में बस ये आया कि यहाँ संदेशा है और गुरुजी ने अगर बुलाया है, संदेशा मालिक का है, तो ये होना ही होना है। वो उन्होंने साबित भी कर दिया मुझे। मैं मंदिर के बाहर अभी पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ इतनी संगत की कुछ कहने की हद नहीं। तो गुरुजी ने वो प्रमाण दे दिया कि वो मैसेज मेरे लिए ही था, जिसको मैं फिर भी हम लोग कई बार ही होता है कि गुरु हमारे जो गुरु होते हैं, हमें कोई भी बात मतलब जो बताना होता है या कोई रास्ता देना होता है, वो हमेशा मतलब हमारे गुरुजी हमें उस चीज़ का पहले ही अंदेशा देते हैं, लेकिन हम नादान आई गवाई कर देते हैं और ये सोच लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को ये सोचते हैं कि शायद जो हमारा दिमाग सोच रहा है वो बहुत ही बेहतर सोच रहा है, जबकि हम गुरुजी के सत्संग, जितनी भी हमारी पुरानी संगत है, हम उनके जब सत्संग सुनते हैं तो उसमें अक्सर सुनते हैं कि गुरुजी कहते थे कि जब वो मंदिर आंदे हो तो जब अपने जोड़े उतारते हो, यानी कि जब अपनी चप्पलें उतारते हो तो अपनी अक्ल वहीं रख के आया करो। लेकिन हम तो श्रेष्ठ मानते हैं ना अपने आप को, मैं भी मानती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि सब कि हो सकता है कि ऐसा ना हो वैसा ना हो, जो भी है मैं मंदिर पहुँचती हूँ, बहुत अच्छे से मुझे दर्शन होते हैं, और दर्शन होने के बाद शनिवार के दिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया वहाँ पे, जब मैं बाहर निकल रही थी मंदिर से दर्शन करने के बाद, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ वहाँ पे ये लगी कि गुरुजी ने मुझे
वहाँ अपने मंदिर के यानी कि थोड़ी संगत अंदर बैठी हुई थी जहाँ गुरुजी की मतलब गद्दी है, और कुछ संगत को उन्होंने बाहर बिठाया और थोड़ी देर वहाँ पे हमें जो है गुरबाणी सुनने को मिली, शब्द सुनने को मिले और चाय प्रसाद हम लोगों ने वहाँ सुना। और मैं धन्य हो गई कि मेरा मतलब एडमिशन पक्का हो गया मेरे स्कूल में। तो वहाँ से चाय प्रसाद करने के बाद जो है मतलब बहुत मतलब मैं जब भी मंदिर जाती हूँ, मैं जैसे कि पहले ही बता चुकी हूँ, हम इंसान होते ही इमोशनल हैं, तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ गुरुजी आज मैं आपके मंदिर आई हूँ, देखो मुझे अब उतना रोना नहीं आ रहा, आंसू हैं आँखों में लेकिन वो वैसे नहीं टपक रहे जब मैं पहले पहली बार या दूसरी बार जब भी आई हूँ मेरे बहुत रोई हूँ मैं। तो गुरुजी मुझे जवाब दे रहे हैं कि देख हूँ नहीं तू इतना रोएगी, क्यों? क्योंकि जो तेरे दिल विच कालापन सी, जो भार सी, मतलब जो लोगों के प्रति कड़वाहट थी, वो धीरे धीरे मैं तेरी साफ करता जा रहा हूँ, अब तू मेरी स्ट्रॉन्ग बच्ची बनती जा रही है। मैं वहाँ पे चाय प्रसाद ग्रहण करने के बाद हमने लंगर प्रसाद किया, और जो हम पुरानी संगत में सोचते थे मतलब सुनते थे सॉरी कि चार लोग बैठ के करते थे वो लंगर प्रसाद, और वो चार लोग कौन होंगे, मतलब आपके परिवार से आपके साथ जो लोग जा रहे हैं ज़रूरी नहीं आपके साथ वही बैठे, और ऐसा ही हुआ कि वो भी गुरुजी ने मुझे मतलब उस चीज़ का भी आनंद दिलवाया कि हमने लंगर प्रसाद इस तरीके से किया। वहाँ से निकलने के बाद जब है मैं बाहर की साइड आ रही हूँ तो हम मतलब अंधेरा हो गया था, तो जाते जाते मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैं एक अंकल जी वहाँ खड़े थे सेवादार अंकल जी, मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा अंकल जी मुझे स्वरूप चाहिए, क्योंकि जो मेरे पास स्वरूप है गुरुजी महाराज का वो मैंने मतलब जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया है कि जब मैं गुरुजी से अटैच हुई थी तो वो मुझे किसी अपने रिश्तेदार की डीपी पे ही मैंने वो स्वरूप देखा था, और मैंने पता नहीं क्या मुझे लगा और मैंने अपने घर में स्थापित कर लिया, जबकि मैंने सुना है कि स्वरूप मंदिर से ही मिलता है या जो भी है, मैं कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि शायद गुरुजी नहीं चाहते, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि मैंने उस स्वरूप को स्थापित किया तो मुझे उस स्वरूप में गुरुजी की कोई शक्ति नहीं लगी, मेरे को हर पल ये लगा कि गुरुजी मेरे साथ है, और गुरुजी ने वो साबित भी करा, जबकि हम होते नहीं हैं कुछ भी प्रमाण मांगने वाले, हमारी औकात ही नहीं है, पता नहीं हमने कैसे कौन से कर्म कर रखे हैं, हमें खुद को नहीं पता कि हम रोज़मर्रा में कितने पाप करते हैं, कितने अपशब्द बोलते हैं, कितने जीवों को अपने पैरों के नीचे हम कुचल देते हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, फिर भी उस मालिक की रहमत है। अब होता यह उन सेवादार अंकल से मैं पूछती हूँ कि अंकल जी मुझे अगर स्वरूप चाहिए हो मंदिर से तो मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है, तो उन्होंने कहा बेटा आपको अगर स्वरूप लेना है तो आप ना सोमवार के दिन मतलब पहला संडे बीतने के बाद जो नेक्स्ट मंडे पड़ता है मंथ का, तब आपको स्वरूप मिल सकता है, तब आप ले लेना। अब इतना वो कह ही रहे थे, एकदम से वो अपनी जेब से हाथ निकालते हैं और मेरे हाथ में चुपचाप मतलब हाथ आगे बढ़ाते हैं और मेरे हाथ में रख देते हैं, अब वो क्या रखते हैं एक मिनट के लिए तो मुझे पता ही नहीं चलता, देखते हैं तो गुरुजी का पॉकेट स्वरूप वो मुझे देते हैं, जो कि उन्होंने ना मुझसे कोई चर्चा करी, ना मेरे मन में था, ना मैंने सोचा था, और वो मुझे मिल जाता है। अब वहाँ से हम आ जाते हैं, और जहाँ तक रही टेलीपैथी की बात जो हम संगत से सुनते आते हैं, आप ये मानेंगे नहीं कि मैं जब वहाँ से निकलती हूँ, वहाँ से निकलने के बाद हम जब छतरपुर मेट्रो स्टेशन के लिए, क्योंकि आते समय मुझे वहाँ से कोई डायरेक्ट कैब मैंने बुक भी नहीं की और मुझे मिली भी नहीं, तो उसके लिए हम ऑटो करते हैं, तो ऑटो में हम काफ़ी देर मतलब ट्रैफिक में फंस गए हैं, और मैं गुरुजी से बात मतलब जब कर रही हूँ तो गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू ना मेट्रो से ना जा, तू सीधी जो है कैब ही कर ले, लेकिन हम जो है नहीं सुनते, हमें ये लगता है कि शायद ये हमारे मन की सोच है, और होता वही है कि जो बात वो गुरुजी मेरे मन में डाल रहे थे वो थोड़ा सा मामला वहाँ गड़बड़ा गया, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन आगे का जो ट्रैवल था वो थोड़ा सा हमारा ऐसा गलत रहा, क्योंकि रात के 11:30 बज गए थे और हम सिर्फ जो है मतलब ये समझ लीजिए सिर्फ फीमेल पर्सन थे, साथ में बच्चे थे, मैं मेरी मम्मी और दोनों बेटियाँ थी और बेटा था, लेकिन यही है कि थोड़ा डर तो लगता ही है, मतलब 11:30 का वक्त तो थोड़ा सा हमारे लिए थोड़ा ये लगता है कि यार है तो थोड़ा सा गलत, क्योंकि देखो वक्त का कुछ कहा नहीं जाता, जबकि पूरा भरोसा है, कहते हैं कि गुरुजी अपनी संगत को जैसे लेके जाते हैं वैसे छोड़ने भी हमारे साथ ही गुरुजी रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में तो आता है, वो थोड़ा सा अटपटा हमारा ट्रैवल हो गया, मतलब जो हमें आगे से जो मतलब कैब का किस्सा हुआ वो थोड़ा गलत हुआ, उसके आगे जो मतलब कैब नहीं मिली और उसके बाद मुझे मतलब जो ऑटो मिला वो थोड़ा सा भैया मुझे मतलब उसने क्या मतलब मुझे नहीं मालूम उसने लगा रखा था या क्या था, मतलब नशा कर रखा था कुछ, वो मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन हाँ गुरुजी ने मेरे मन में डाल दिया था कि तुझे छतरपुर जाके सीधी कैब कर लेनी चाहिए बेटा, तू मेट्रो से ना जा,
लेकिन मैंने नहीं सुनी, उसका थोड़ा सा भुगतान जो भी कह लो थोड़ा सा मन में महसूस हुआ, क्योंकि मैंने अपने गुरुजी की बात को थोड़ा आई गवाई कर दिया। करके रुक सकते, मैं स्टार्ट कर। अब इस पूरे सत्संग से मैं बस सिर्फ यही, जैसे हर बार मैं कहती हूँ, मैं देखिए कोई बहुत बड़ी, पहले भी कह चुकी हूँ, कोई बहुत बड़ी प्रवक्ता नहीं हूँ, कोई वक्ता नहीं हूँ कहने वाली, मेरे में कोई इतनी बुद्धि नहीं है, मैं कोई इतनी मतलब गुरु की अपनी, पहले भी कह चुकी हूँ कि गुरु की बच्ची हूँ। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब गुरु जी कोई भी आपको मैसेज दे रहे हैं उसे पूर्ण रूप से स्वीकार कीजिए, क्योंकि गुरु का हुक्म उस ब्रह्मांड का हुक्म है। तो जैसे गुरु जी कहते हैं हमें वैसे करना चाहिए। अगर मेरी किसी बात से, किसी भी बात से किसी के भी दिल को कुछ भी बुरा लगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से, कुछ भी वाणी में मेरी गलत हुआ हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। के लिए हमारे स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय गुरु जी।